नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष भार्गव और मुद्दा अनुच्छेद 370 का है, जिसे निरस्त कर दिया गया। यानी जम्मू कश्मीर को जो विशेष राज्य का दर्जा था वो उसे हटा दिया गया। और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं आई, 16 दिन की मैराथन सुनवाई हुई, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। क्या है पूरी कहानी, कब आएगा बड़ा फैसला, बताते हैं आपको। दरअसल 5 अगस्त 2019 को जो अनुच्छेद 370 है, यानी जम्मू कश्मीर को जिसके जरिए विशेष राज्य का दर्जा था उसे निरस्त कर दिया गया और जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, 23 याचिकाएं एक के बाद एक दाखिल की गईं और इस पूरे मामले को 5 जजों के संविधान पीठ को भेज दिया गया। संविधान पीठ ने 2 अगस्त 2023 से इस मामले की सुनवाई शुरू की। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत की, जो 5 वरिष्ठ जज हैं, उनकी ये बेंच सुनवाई शुरू कर चुकी थी। और इसके साथ साथ 16 दिनों की मैराथन सुनवाई इस पूरे मामले में हुई और इस मामले में याचिकाओंकर्ताओं की तरफ से बड़ी बहस दी गई, बड़ी दलीलें दी गई। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल, गोपाल सुब्रमण्यम, दुष्यंत दवे, गोपाल शंकर नारायण और इसके अलावा और बड़े बड़े वकीलों ने, करीब 18 वकीलों ने अपनी तरफ से दलीलें दी। वहीं पर केंद्र और दूसरे पक्ष की तरफ से अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमनी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता समेत बड़े वकील हरीश सालवे भी रहे, उन्होंने अपनी दलीलें पेश की और इस पूरे जो निरस्त जो किया गया था 370 को, उसको सही ठहराने की कोशिश की। इन 16 दिनों की मैराथन सुनवाई में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़े सवाल पूछे और 5 सितंबर मंगलवार को मामले को सुरक्षित रख लिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसला देना है कि आखिरकार जो ये 370 को जो निरस्त किया गया वो संवैधानिक था या नहीं था। एक बड़े फैसले का इंतज़ार सभी को रहेगा। दिसंबर तक ये फैसला आने की उम्मीद है, क्योंकि जस्टिस संजय किशन कौल दिसंबर में रिटायर हो रहे हैं। तो काफ़ी अहम ये पूरी सुनवाई रही। यहाँ पर याचिकाकर्ताओं की ओर से दलीलें दी गई और कहा गया कि जिस तरीके से 370 को निरस्त किया गया वो पूरी तरह मनमाना था और असंवैधानिक था, क्योंकि इसमें जम्मू कश्मीर के नुमाइंदों यानी विधानसभा की राय नहीं ली गई थी और जम्मू कश्मीर को इस तरीके से वहाँ पर 35A को नहीं हटाया जा सकता था और विशेष राज्य का दर्जा नहीं हटाया जा सकता था। वो एक तरह की स्थायी व्यवस्था की गई थी भारत के संविधान में। ये भी कहा गया कि जिस तरीके से केंद्र सरकार ने दो भागों में बांट दिया जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों में, वो भी पूरी तरह जो मौलिक अधिकारों का हनन था और असंवैधानिक था। इस मुद्दे पर केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से राय रखी और सुप्रीम कोर्ट में बताया कि वो पूरी तरह संवैधानिक था, और क्योंकि वहाँ पर संविधानसभा भंग हो चुकी थी तो विधानसभा आ गई थी, और विधानसभा नहीं थी इसलिए संसद के पास वो शक्ति आ गई थी, और ये कदम पूरी तरह सही था और जम्मू कश्मीर के नागरिकों को भी देश के बराबर नागरिकों के की तरह हक दे दिया गया है। ये बड़ी बातें केंद्र सरकार से की गई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार पर सवाल भी उठाया कि किस शक्ति के तहत केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया, राज्य को दो टुकड़ों में बांटा गया, क्या इस बात की गारंटी है कि केंद्र इस शक्ति का दुरुपयोग नहीं करेगा, रोड मैप क्या है जम्मू कश्मीर को लेकर, पूर्ण राज्य का दर्जा उसे कब मिलेगा। केंद्र सरकार की ओर से तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल हैं, उन्होंने कहा कि पूरी तरह कश्मीर में शांति है, निर्वाचन आयोग को ये फैसला करना है, लेकिन समय सीमा नहीं बता सकते कि कब ये चुनाव होंगे। लद्दाख तो यूटी रहेगा लेकिन जम्मू कश्मीर में जल्द ही चुनाव होंगे, लेकिन वो इसकी समय सीमा नहीं बता सकते। ये भी कहा कि स्थिति सुधर रही है और जम्मू कश्मीर अब पूरी तरह भारत में विलय उसका हुआ है। ये तमाम चीज़ें हैं। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो सांसद हैं मोहम्मद अकबर लोन, उनके ऊपर भी सवाल उठाए गए कि उन्होंने पाक समर्थित बयान दिए हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने उनसे एक हलफनामा मांगा कि वो जो हैं भारत के संविधान में आस्था रखते हैं, भारत की संप्रभुता का सम्मान करते हैं और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा अभिन्न अंग मानते हैं। लोन ने एक एफिडेविट फाइल किया है, लेकिन उन्होंने कहा है कि वो जो भारत के नागरिक हैं, जिम्मेदार नागरिक हैं, ड्यूटीफुल नागरिक हैं, और इसके साथ साथ उन्होंने कहा वो शपथ को दोहराते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने संसद सदस्य के तौर पर शपथ ली थी और कहा था कि वो भारत के संविधान संप्रभुता और इसके साथ साथ जो है उसकी क्षेत्रीय जो अखंडता है उसका संरक्षण करेंगे और उसको मानते हैं। तो केंद्र ने उस पर सवाल भी उठाए हैं और अब बड़ा एक मामला है जिस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतज़ार करना होगा। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया।